की आवाज खबर 7C खबर। सब्सक्राइब करें हमारे खबर 7C न्यूज चैनल को, देखिए रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जहां एक ओर शिक्षा के स्तर में कमी व संसाधनों की कमी के कारण सरकारी विद्यालय लगातार बंद हो रहे हैं, वहीं टिहरी जनपद के जौनपुर इलाके के राजकीय इंटर कॉलेज म्याड़ी के प्रधानाचार्य प्रजापति नौटियाल के अथक प्रयासों के बाद आज भी इस विद्यालय में 450 विद्यार्थी अध्ययनरत है। आइए चलते हैं राजकीय इंटर कॉलेज म्याड़ी में और देखते हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। टिहरी गढ़वाल जनपद अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के लिए हमेशा जाना जाता है। एक तरफ जहां अधिकांश क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय बंद होने की कगार पर है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय की बढ़ती छात्र संख्या देखकर आंखों में खुशी झलकती है। आज हम बात करते हैं ऐसे ही टिहरी जनपद का सुदूर इलाके जौनपुर विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज के म्याड़ी के, जहां पर हमारे खबर 7C न्यूज चैनल के संवाददाता वीरेंद्र वर्मा विद्यालय में जाकर अध्यापकों के साथ साथ छात्र छात्राओं से बातचीत की, जहाँ पर उन्होंने देखा कि वर्तमान में 450 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य प्रजापति नौटियाल के अथक प्रयासों से विद्यालय में पठन पाठन के साथ साथ संसाधनों को भी दिन प्रतिदिन वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में समस्त शिक्षकों एवं अभिभावक संघ भी उनका लगातार सहयोग कर रहे हैं। ये तो विद्यालय में अभी कई संसाधनों की कमी है, फिर भी विद्यालय में अध्यापकों द्वारा छात्र छात्राओं को कम संसाधनों में भी बेहतर वातावरण एवं पठन पाठन का माहौल दिया जा रहा है। विद्यालय के परिवेश के सुंदर एवं आकर्षण बनाने के लिए चार दीवारी पर प्रधानाचार्य के अथक प्रयासों से सौंदर्यीकरण किया गया है, जिससे विद्यालय की सुंदरता और बढ़ जाती है। विद्यालय में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में खेल सामग्री को जोड़ा गया, जिसमें छात्र छात्राएं वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस आदि खेलों को प्रति बड़े उत्साह से खेलते हैं। इसके साथ साथ विद्यालय में आनंदम कार्यक्रम के तहत योगा एवं प्राणायाम की कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं। विद्यालय में प्रयासों से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, स्काउट गाइड, इको क्लब गठित किए गए हैं, जिसमें समय समय पर छात्र छात्राओं एवं प्रभारी दयाल सिंह बिष्ट द्वारा गांव में विशेष शिविर के द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिसमें समय समय पर ग्रामीणों को जागरूक भी किया जाता है। इको क्लब द्वारा वृक्षारोपण स्वच्छता कार्यक्रम को भी महत्व दिया जाता है। विद्यालय में पूरे जनपद का एकमात्र अंतरिक्ष लैब स्थापित है, जो जनपद के मात्र 2 विद्यालयों को ही प्राप्त है। इसके साथ साथ विद्यालय में एक वाटिका द्वारा साग सब्जी उगाने का भी छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्यालय में कंप्यूटर लैब को भी विकसित एवं उपयोगी बनाया गया है, जिसमें छात्र छात्राएं समय समय पर इसका प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। साथ ही विभिन्न स्लोगनों, चित्रों एवं वॉल पेंटिंग व लेखन द्वारा विद्यालय की चार दीवारों को सजाया गया है, जिससे विद्यालय और आकर्षित दिखता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रयास से आगामी समय में जो संसाधन कम है उनको लेकर चिंता जारी है और उन्हें पूरा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में कोविड-19 को लेकर SOP के अनुसार 2 पारियों में विद्यालय संचालित हो रही है। वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर के अनुसार पठन पाठन में संचालित किया जा रहा है। पूर्व में विद्यालय की छात्राओं को 45 दिवसीय आर्ट एवं क्राफ्ट का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें उन्हें अनेक प्रकार की सजावटी वस्तुएं सिखाई गई, जिसमें वह भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। बालिका शिक्षा को बढ़ाने हेतु समय समय पर बालिका अभिप्रेरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी भरपूर सहयोग मिलता है। इस प्रकार सुदूर क्षेत्र में अपने विषय को पढ़ाने के अलावा विद्यालय व्यवस्था को भी सफलता से संचालित कर छात्र हित के लिए लगातार प्रयासरत रहना प्रधानाचार्य का एक सराहनीय कदम है। विद्यालय को साधन संपन्न बनाया जाए, पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाना प्रधानाचार्य का मुख्य उद्देश्य भी है। विद्यालय का हमेशा परीक्षा फल भी बेहतर रहता है। यहाँ के छात्र छात्राएं प्रदेश भर में खेल प्रतियोगिता में भी लगातार प्रतिभाग करते रहते हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए प्रजापति नौटियाल ने छात्र छात्राओं के सामान्य ज्ञान में वृद्धि हेतु नई टिहरी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें लगभग 1000 प्रतियां निःशुल्क छात्र छात्राओं के साथ क्षेत्र में वितरित भी की गई है। साथ ही कुछ प्रतियां मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी वितरण हेतु दी गई है। विद्यालय में छात्र छात्राओं को समय समय पर निःशुल्क पुस्तकें एवं सामान्य ज्ञान की पुस्तकें बांटने का कार्य भी निरंतर किया जाता है, जो कि एक सराहनीय कदम है। मेरा नाम अनु केंद्रा है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मैं राजकीय इंटर कॉलेज म्याड़ी जागदार से हूँ। मुझे गर्व है कि मैं राजकीय इंटर कॉलेज म्याड़ी में पढ़ती हूँ और यहाँ के सभी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाया करते हैं और यहाँ पढ़ाई के साथ साथ अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। हर चीज़ में यहाँ प्रोत्साहित किया जाता है और बच्चों का मार्गदर्शन किया जाता है। मेरा नाम मीनाक्षी गंडारी है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज म्याड़ी है। मुझे गर्व है कि मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में पढ़ाई के अलावा अन्य सारी गतिविधियाँ कराई जाती है, जैसे कंप्यूटर्स कढ़ाई करना, कढ़ाई कर खिलौने बनाना तथा क्यारियाँ बनाना आदि।
वर्तमान में विद्यालय में 450 बच्चे हैं जिनमें 261 छात्राएं हैं। तो विद्यालय में पठन पाठन को महत्व देते हुए अन्य जो क्रियाकलाप होते हैं, अन्य जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, इस पर भी हम बल देते हैं। क्योंकि पठन पाठन के अलावा बहुत ज़रूरी है कि विद्यालय में विद्यालय का परिवेश सही हो, विद्यालय का वातावरण सही हो, विद्यालय का सौंदर्यकरण सही हो, जिससे बच्चों के अंदर एक रुचि पैदा हो स्कूल के प्रति। और सरकारी स्कूल जब बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में नहीं जाना नहीं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा जो है यहाँ पर अच्छे खुशी से आता है और जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं बच्चा उसमें भाग लेता है। यहाँ पर विद्यालय में कई प्रकल्प हमने प्रारंभ किए हैं, पहले से भी प्रारंभ थे लेकिन अब इनको और बेहतर बनाया जा रहा है। जैसे खेल का है और इको क्लब है, यहाँ पर NSS कई वर्षों से यहाँ पर NSS की इकाई गठित है और यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं कि NCC का भी यहाँ पर जूनियर सेक्शन खोलने का विचार है। इस प्रकार से पूरे स्टाफ की मदद से हम लोग जो है ये कार्यक्रम चलता रहता है और प्रयास करते रहते हैं संसाधनों को जोड़ने का। और अभी अभी हमारे विद्यालय को एक उपलब्धि और लगी है कि इसमें जो है पूरे जनपद में जो है दो विद्यालयों में एस्ट्रोनॉमी जो अंतरिक्ष लैब है वो स्थापित हुई है, जिसमें हमारा विद्यालय इसमें भी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बच्चे अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, टेलीस्कोप क्या होता है, अंतरिक्ष में क्या क्या गतिविधियाँ होती है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उसको देख पाएंगे भविष्य में। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम, ये विधिवत हमारा प्रयास संसाधनों को लेकर के और खासकर पठन पाठन को लेकर के, विगत वर्ष में विद्यालय का जो रिजल्ट था वो भी अच्छा रहा है, वैसे हमेशा ही अच्छा रहता है लेकिन धीरे धीरे जो है और अच्छा सुधार का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर स्टाफ भी पूरा है और थोड़ा सा कमी कार्यालय स्टाफ में है, जिसमें कार्यालय में कुछ जो फोर्थ क्लास में है उसमें कमी है, तो फिर भी जो है अच्छे ढंग से विद्यालय जो है हमारा ये संचालित हो रहा है। वर्तमान में क्योंकि COVID-19 की वजह से जो है बच्चों में थोड़ा भय है लेकिन उस भय को भी दूर किया जा रहा है। SOP के तहत जो है पूर्ण विद्यालय जो है संचालित किया जा रहा है। अभी 2 तारीख से जो है 6th, 7th, 8th और 9th और 11th की क्लासें भी प्रारंभ हो गई हैं। पूरी गतिविधियाँ जो भी हमको निर्देश दिए गए हैं, जो भी SOP में निर्देश दिए गए हैं उनको विधिवत रूप से यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से बच्चा कोविड जो महामारी है उसके प्रति बिल्कुल अब वो भय से बिल्कुल हो गया कि भय नहीं उसको अब, और किसी प्रकार का कोई भगवान चाहेगा तो स्थिति दूर हो रही है और एक अच्छे माहौल में जो बीच में भय का माहौल हो गया था उसको अब जो है ये अब जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है और विद्यालय में पठन पाठन और अच्छे ढंग से जो है और बेहतर ढंग से जो है बच्चे कर पाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने विद्यालय में आकर के हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया, धन्यवाद।